हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी टोपा की कटिंग के बारे में। तो हमें बनाना है 1 साल के बच्चे का टोपा। ये मैंने कुछ कपड़ा ले लिया है, निशान लगाना है यहाँ पे 12 इंच का। ये वाला निशान 12 इंच का आएगा, चारों तरफ 12 12 इंच का निशान आएगा। कपड़ा चौकोर करना है। तो देखिए ये कपड़ा हो गया चौकोर। अब ऐसा ही सेम ये वाला काटना है। ये कपड़ा रहेगा ऊपर वाला और ये रहेगा अस्तर इसका। दोनों को इसी तरीके से काटना है। अब देखिए ये जो कपड़ा है इसको इस तरीके से फोल्ड करना है। ये वाला खुला भाग है दोनों तरफ से। ये जो कोना दिख रहा है ना, यहाँ पे 1 इंच का निशान लगाना है। यहाँ गुलाई देनी है। अब इसको यहाँ से गुलाई में ही काटना है। अब देखिए फ्रेंड, ये हो गया टोपा का कपड़ा तैयार। अब इसकी आगे वाली पट्टी काटनी है। चौकोर कपड़ा लिया था 12 इंच का और ये वाली पट्टी लेनी है 13 इंच की, 1 इंच बड़ी, जो कि दोनों कानों के ऊपर अच्छी तरह से आ जाए। ये पट्टी हो गई 13 इंच की और चौड़ाई हो गई इसकी 3.5 इंच। ये आगे वाली पट्टी है। ये वाला जो कपड़ा बच रहा है इसमें पीछे वाली डोर बनेगी, जो बांधने की डोर होती है दोनों साइड की। देखिए फ्रेंड, अब ये जो कपड़ा है, ये पट्टी है, इसके 3 भागों में फोल्ड करना है। ठीक इस तरीके से यहाँ निशान लगाना है, एक निशान यहाँ लगाना है। तो देखिए इसका 3 भाग हो गया, यहाँ से एक ये यही वाला। अभी इस प्रकार से प्लेट पड़ेगी, यहाँ से और ये वाला भाग है,
तो इस निशान में आएगी प्लेट इस तरीके से। फिर दूसरा ये जो भाग है ये इस तरीके से निशान आ जाएगा इसमें, और ये वाला पट्टा इसमें आ जाएगा इस तरीके से। तो देखिए फ्रेंड अब मैं आपको सिल के दिखाती हूँ। ऐसे छोटे छोटे प्लेट आती रहेंगी इसमें। जो ये जो कोना है इस निशान तक निशान लाना है इसको। अब देखिए फ्रेंड ये जो कोना है इसको इस तरीके से पकड़ के धीरे धीरे एक एक प्लेट जचानी है, इसका घुमाव बहुत अच्छे से आना चाहिए। दूसरा वाला भाग है अब इसको, ये जो कोना है ना इसको भी इसी तरह से जचाना है गुलाब से देते हुए, तो बहुत अच्छा बनेगा। अब देखिए फ्रेंड ये वाली प्लेट हमारी गिर गई है। एक जो कोना था वो ये वाला है और एक कोना ये वाला है इस तरीके से। तो देखिए फ्रेंड अब ये जो कपड़ा है इसको इस तरीके से फोल्ड करना है ऐसे इस तरीके से। ये जो नीचे वाली सिलाई है ना इसके ऊपर के ऐसे सिलाई नहीं दिखनी चाहिए। देखिए इसमें ये वाली पट्टी लग गई है खूब अच्छे से, बिल्कुल भी रेब नहीं आई इसमें। देखिए फ्रेंड ये जो पट्टी मैंने काटी है इसको ज्वाइंट करना है यहाँ से। तो देखिए फ्रेंड ये जो कपड़ा है लगभग एक ब्लाउज छोड़ना है आगे डोरी बांधने के लिए। यहाँ से लगाना है तो ये एक ब्लाउज के लगभग हमने छोड़ दिया है। अब यहाँ सिलाई लगानी है। देखिए फ्रेंड ये वाला बीच का भाग है पीछे वाली साइड से, यहाँ पे थोड़ा कट लगाना है। और ये जो पीछे की साइड है यहाँ पर मशीन के नीचे दबा के और दो प्लेट रखनी है पीछे की साइड से इस तरीके से, जो कि टोपा एकदम फिटिंग में सही दिखेगा। और देखिए फ्रेंड दो प्लेट तो डाल दी हमने, दो यहाँ डलेगी ठीक उसी प्रकार से। ये पट्टी लग गई है और ये जो फालतू कपड़ा है इसको काटना है।
अब देखिए इसमें जो ये वाला कपड़ा है इसको इस तरीके से फोल्ड करना है, ऐसे दोनों साइडों से किनारी मोड़ के और अंदर ले जाना है। अब इसकी सिलाई करनी है। ये जो टाका है पीछे वाला ये नहीं दिखना चाहिए। ऊपर के कपड़ा लाना है ऐसे, जो कोना है इसको भी इसी प्रकार मोड़ना है अंदर की साइड, सिलाई लगानी है। तो देखिए हमारा टोपा सिल के तैयार हो गया है। ये जो फालतू कपड़ा है इसको यहाँ से काट कर सीधा कर लेना है। ये हमारा जुब्बा तैयार हो गया है।